पश्चिमी राजस्थान का महाकुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव का 640वां भादवा मेला विधिवत रूप से शुरू हुआ। जिला कलेक्टर जैसलमेर प्रताप सिंह, जिला पुलिस अधीक्षक जैसलमेर सुधीर चौधरी के द्वारा बाबा रामदेव समाधि स्थल पर पंचामृत से विशेष रूप से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात बाबा की समाधि पर भोग लगाया गया। बाबा रामदेव वंशज गादीपति राव भोम सिंह तनवर के द्वारा चंवर धुलाकर पूजा अर्चना की गई। इस अवसर पर मेला अधिकारी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी उपस्थित रहे। जैसे ही बाबा रामदेव समाधि स्थल का मुख्य द्वार खोला, रामसा पीर की जय जयकार करते हुए लाखों श्रद्धालु समाधि स्थल के अंदर दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के कड़े व माकूल प्रबंध किए गए। पुलिस का अतिरिक्त जाप्ता भी लगाया गया। मेला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिस पर लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार आज के दिन करीब 5 लाख से अधिक लोग बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। ऐसे में छोटा सा कस्बा इन दिनों महानगर का रूप लिए हुए दिखाई दे रहा है। हाथों में लंबी लंबी ध्वजा लिए भक्तों का जोश व उत्साह हिलोरे मार रहा है। भक्तों को ना भूख लग रही है, ना प्यास लग रही है, बस बाबा की समाधि के दर्शन के लिए जय जयकार करते हुए समाधि स्थल पर पहुंच रहे हैं। समाधि समिति की तरफ से समाधि के दोनों तरफ से दर्शन करवाने की विशेष व्यवस्था की गई है। औसतन 3 से 4 घंटे में श्रद्धालुओं को सुगमतापूर्वक दर्शन हो रहे हैं।